हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रजत और आज हम बात करने वाले हैं थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल की। क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, अगर आप अभी ट्रैवल कर रहे हैं तो करेंटली क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। और इसी के साथ कल एक बड़ा अपडेट आया है फ्री वीज़ा फॉर इंडियंस को लेके, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि कब से स्टार्ट है और कब तक के लिए आपको फ्री वीज़ा मिलेगा, कितने दिन के लिए मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और उससे पहले ऐसे ही ट्रैवल अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले बात करेंगे जो वीज़ा ऑन अराइवल फ्री हुआ इंडियंस के लिए, ये कल ही अपडेट आया है 31 अक्टूबर को। ये स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर से, नेक्स्ट मंथ से, और ये वैलिड रहेगा 6 मंथ के लिए, 2024 10 मई तक के लिए ये वैलिड है, 6 मंथ के लिए वैलिड है। अगर आप इस ड्यूरेशन में अगर थाईलैंड ट्रैवल करते हैं तो आपके ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज़ सेव होंगे जो वीज़ा ऑन अराइवल पर आपको पहले पे करने पड़ते थे। और इंडिया के साथ साथ ताइवान का भी वीज़ा ऑन अराइवल फ्री किया है। और इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप अभी थाईलैंड ट्रैवल करते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हैं, वीज़ा ऑन अराइवल की क्या प्रोसेस रहती है, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो में। देखिए, थाईलैंड का वीज़ा ऑन अराइवल बहुत इजी है, बट आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करने पड़ेंगे, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप थाईलैंड का वीज़ा ऑन अराइवल का एक फॉर्म होता है जो आपको एयरपोर्ट में मिल जाता है जब आप एयरपोर्ट में लैंड करते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंडिया से ही उस फॉर्म को प्रिंट आउट ले लें और पूरा फिल कर लें, क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबी फिर लाइन लग जाती है, तो समय आपका वेस्ट होगा वो फॉर्म फिल करने में। तो आप वीज़ा ऑन अराइवल के फॉर्म को यहीं से फिल करके ले जाएं। इस फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। सेकेंड डॉक्यूमेंट है आपका 4x6 सेंटीमीटर का पासपोर्ट फ़ोटो विथ वाइट बैकग्राउंड, ये आप यहीं से क्लिक करा लें। तो ये फ़ोटोस आप ध्यान से रख लें, अगर आप ये फ़ोटो ले जाना भूलते हैं तो आपको बैंकॉक एयरपोर्ट में ये आपको लगभग 1,000 रुपये इंडियन रुपीस में पड़ेगी वहाँ पे, तो आप ये ध्यान से ले जाएं। और इसको आप फॉर्म जब फिल करेंगे यहाँ पे, यहीं पे पूरा उसको स्टिक कर लें फॉर्म में। थर्ड डॉक्यूमेंट है आपके पास आपका रिटर्न फ़्लाइट होना चाहिए, जब आप यहाँ से जा रहे हैं तो आपका रिटर्न फ़्लाइट भी आपका बुक होना चाहिए, कि आपको एयरपोर्ट में चेक कर सकते हैं। तो आप अपना आने और जाने का दोनों का फ़्लाइट पहले से बुक करके रखें। और अगर आपका प्लान है कि थाईलैंड से किसी और कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका टिकट होना चाहिए, मतलब आपको शो करना पड़ेगा कि आप जिस पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप थाईलैंड में एंटर हो रहे हैं उसके बाद आप यहां से एग्ज़िट करेंगे, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फोर्थ डॉक्यूमेंट है आपके पास कन्फर्म बुकिंग होनी चाहिए होटल की, जिस भी आप होटल में स्टे करने वाले हैं, आप प्लान करेंगे तो आप होटल तो बुक करेंगे थाईलैंड में, पटाया में, बैंकॉक में, फुकेट में, जहाँ का भी, वो आपको कन्फर्म बुकिंग होना चाहिए और उसका एक कॉपी या फ़ोन पे, या फिर आप एक हार्ड कॉपी रख लें उसके लिए, तो आपको एक कंफर्म होटल बुकिंग शो करनी पड़ेगी। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको बता रहा हूँ ये वीज़ा ऑन अराइवल पे आपके चेक हो सकते हैं, तो आप ये साथ में कैरी करें। और फिफ्थ डॉक्यूमेंट ये कि अगर आप थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास अपने थाई करेंसी में फ़ंड्स होना चाहिए जो आपको शो करना पड़ सकता है, पर पर्सन आपको 10,000 थाई बाट शो करने पड़ सकते हैं, तो फंड्स अपने साथ कैरी करें, ये आप इंडिया से भी एक्सचेंज करा सकते हैं। ये हैं मेजर डॉक्यूमेंट जो आपके पास होने ही चाहिए थाईलैंड ट्रैवल में, ये आपके वीज़ा ऑन अराइवल के टाइम शो होंगे। वीज़ा ऑन अराइवल जो फ्री हुआ इंडियंस के लिए, इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन तो पूरा करना है, बस आप जो एंड में फ़ीस देते रहे 5,000 की जो इंडियन करेंसी में है और थाई करेंसी में लगभग 2,000 थाई बाट था, वो अब आपको नहीं देना रहेगा, बस बाकी आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरे शो करने पड़ेंगे। अब बात करें कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स की जो मैंडेटरी नहीं है बट अपने साथ आप कैरी ज़रूर करें। एक है सबसे पहली चीज़ और बहुत ज़रूरी है, आप ट्रैवल इंश्योरेंस, ये अभी हटा दिया उन्होंने, रिक्वायर्ड नहीं है बट आप अपने साथ कैरी करें। ये मुश्किल से 1,800 रुपये का मिलेगा इंडिया से, जितने दिनों के लिए भी आप जा रहे हैं उतने दिनों के लिए आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तो नहीं अभी रिक्वायर्ड शो करना, लेकिन आप अपने साथ कैरी करें, आप अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो डॉक्यूमेंट पेपर बनाएंगे आप वीज़ा ऑन अराइवल के लिए, वो आप अपने साथ वैक्सीनेशन का भी एक पेपर ऐड कर, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपने साथ जरूर रखें। और इसके अलावा अगर आप थाईलैंड का भी प्लान कर रहे हैं तो मेरे चैनल में पूरा डिटेल वीडियो अपलोड है, आप कैसे कहाँ पे घूम सकते हैं, क्या एक्सपेंसेस आएंगे, सारी चीज़ें डिटेल में मैंने बताई, वो आप देख सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो ऐसे ही ट्रैवल अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।